फर्स्ट अभ्यास ये है कि हम स्थिर होके 3 मिनट्स के लिए साइलेंस में बैठेंगे, तो सभी को अपना वीडियो ऑन करना है। तो पहला पॉइंट हम यही चेक करेंगे अपनी डायरी में, फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कि मैं तन से और मन से स्थिर आत्मा हूँ, स्टेबल हूँ। तो ये चेक करेंगे कि हम 3-4 मिनट्स के अभ्यास में कितना स्थिर होके बैठते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्थिरता की चेकिंग, पूरे दिन भर की स्थिति भी कैसी रही वो परसेंटेज उसके आगे लिखेंगे, लेकिन पहले स्थिर बैठेंगे। अभी ये विजुलाइज करेंगे कि आने वाले साल में कितनी भी बड़ी से बड़ी बात आ जाए, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे लोगों के द्वारा, किसी के भी द्वारा, उसमें अपने आप को हम देखेंगे कि हम बिल्कुल अंगद के समान अचल हैं, अडोल हैं, स्थिर हैं, वृत्ति से भी, संकल्पों से भी। तो अपनी स्थिर स्थिति को विजुलाइज करेंगे नेक्स्ट 3 मिनट्स के लिए। Thank you.
अपने आप को ऐसे विजुलाइज करेंगे कि पूरा संसार, पूरे संसार में हलचल है और हम स्थिरता के द्वीप हैं। हमारे चारों ओर सागर में हलचल है, लेकिन हम एक ऐसे बीच में द्वीप हैं, टापू हैं, जो स्थिर है। हमें स्वयं भी स्थिर रहना है और सबको वो स्टेबिलिटी देने वाले सोर्स भी हम हैं। तो इसको बहुत ही क्लियरली विजुलाइज करेंगे, स्थिरता के द्वीप हैं हम। अगला संकल्प लिखेंगे डायरी में। माय आइडेंटिटी, मेरी पहचान एक स्थिर आत्मा के रूप में है। पूरे समाज में कहीं भी, परिवार में कहीं भी कोई हलचल होती है तो सभी का इशारा मेरी तरफ होता है। ब्राह्मण आत्मा माना, स्टेबल आत्मा, स्थिर आत्मा, स्थिर वृत्ति वाली आत्मा। तो अगले एक महीने में ब्रह्मा बाप समान, नंबर वन आत्मा के समान, हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्थिरता का टावर हूँ, टावर ऑफ स्टेबिलिटी। सो यू कैन राइट दिस एंड एनीबडी कैन आल्सो राइट वॉलंटियर इन द चैट बॉक्स फॉर दिस। तो अभी प्रैक्टिस करेंगे। माय आइडेंटिटी इज स्टेबिलिटी। Thank you.
अब एक और पावरफुल विजुलाइजेशन में जाएंगे धीरे धीरे। हमें हर एक दिन अपने आप को ऐसे स्टेबलाइज करना है, अपने आप को हम एक ट्री की तरह विजुलाइज करेंगे, एक पेड़ की तरह, एक वृक्ष की तरह। और एक वृक्ष स्थिर तब होता है जब उसकी जड़ें बहुत गहराई में और बहुत विशालता से चारों तरफ गई है। तो मैं पूर्वज आत्मा और मेरी जड़ें बहुत गहराई तक हैं, इसीलिए मैं स्थिर आत्मा हूँ। तो इस अभ्यास को बहुत बहुत डीपली विजुलाइज करेंगे और इस आइडेंटिटी को अपना पक्का पार्ट बनाएंगे।
भी सभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, सिर्फ वन वन लाइन की। इसको जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं कि मैं स्थिर आत्मा हूं, क्योंकि सिर्फ वन लाइन में ऐड करना है, आई एम स्टेबल सोल बिकॉज मेरी स्थिरता का आधार क्या है। तो दोज हु वांट टू स्पीक दे कैन शेयर। सो अनम्यूट योर सेल्फ फॉर ए फ्यू सेकेंड एंड यू कैन स्पीक। मैं स्थिर आत्मा हूँ क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आती, किसी भी पेपर का सामना करने के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। हार हो या जीत हो, उसमें बाबा कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हेलो। कुछ ना कुछ हमें दे रहा है, इसलिए मैं स्थिर आत्मा हूँ। ओम शांति। मैं स्थिर आत्मा हूँ क्योंकि बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। कैसे? ओम शांति। आई एम स्टेबल सोल। आई एम एवरीथिंग आई कैन डू इन दिस वर्ल्ड विद बाबा इज विद मी। दैट्स इट। ओम शांति। मैं स्थिर आत्मा हूँ क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, जो होगा अच्छा ही होगा। ओम शांति। राहुल भाई जी, मैं स्थिर आत्मा हूँ, पूर्वज हूँ, क्योंकि मैं कल्प वृक्ष की जड़े हूँ, विश्व का आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हूँ। मैं हिलूंगी तो पूरा कल्प वृक्ष हिलेगा, इसलिए मैं सबकी पूर्वज हूँ, मुझे सबकी पालना करनी है, तो मैं स्थिर आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं स्थिर आत्मा हूँ क्योंकि मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ और स्वयं शांति के सागर परम पिता परमात्मा हमारे साथ ही हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं स्थिर आत्मा हूँ क्योंकि मैं स्थिरता के सागर की संतान हूँ, स्थिरता के सागर की गहराइयों में मैं मास्टर स्थिरता का सागर हूँ। I become stable in the present moment because God is here in the present moment, and whatever happens around me, I have to remember that God is with me and not be affected by everything around me. So that would make me a stable soul. Om Shanti. मैं स्टेबल हूँ क्योंकि मैं अंतर्मुखता की गुफा में बैठी हूँ, जहाँ से बड़े बॉम्ब का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और मेरे साथ स्वयं भगवान है। और तीसरी बात ये कि मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली हूँ। ब्रह्मा बाबा भी हर परिस्थिति में अचल अडोल रहे, तो मैं तो उनकी संतान हूँ ना, इसीलिए मैं स्थिर आत्मा हूँ। ओम शांति। मैं स्थिर आत्मा हूँ क्योंकि मैं बाप समान शांति का सागर हूँ। ओम शांति भाई जी। आज मैंने ये अनुभव किया, मैं बाप दादा की छत्र छाया के नीचे मना सूक्ष्मोतन और परंधाम में बाबा का साथ का अनुभव किया। आज सारा दिन बहुत अच्छा लगा। एक इम्पोर्टेंट कार्य भी था, वो भी सफलता पूर्वक हुआ, तो मैं कंटिन्यू करूंगी। बहुत अच्छा लगा आज परंधाम का और सूक्ष्मोतन में बाबा के चित्र छाया में। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी किरणों की नीचे का अनुभव की मैं, और साथ साथ प्रकृति को भी यही सकाश देने का पुरुषार्थ किया। ओम अरे।
ओके एनी टू लास्ट कोई और करना चाहेगा शेयर? वो हमारी जड़ें क्या हैं जिनके आधार पे हम स्थिर हैं, वो जड़ें कौन सी फैली हुई है? उल्टा छड़ ठीक है, हम लास्ट में 5 मिनट्स बाबा को याद करेंगे और पावरफुल योग का अभ्यास करेंगे, वीडियो ऑन रख के ही करेंगे। Thank you.
ओम शांति. थैंक यू बाबा. थैंक यू भाई जी. गुड नाइट बाबा.